वडोदरा में पापड़ बनाने वाली यूनिटों में काम करने वाली महिलाओं को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से बहुत उम्मीदें हैं। वह चाहती हैं कि किसी तरह महंगाई पर अंकुश लगना चाहिए। सर, हमको खाने पीने की चीज़ों में भाव थोड़ा कम हो तो हम हमारा घर में भी चला सकते हैं, और यहाँ जहाँ पे गृह उद्योग में काम करते हैं वहाँ भी खाने पीने की चीज़ से ही सब उपयोग होता है। तेल है, जैसे दाल है, जैसे चावल है, गैस का बोतल है, उसमें कुछ सहाय मिले तो हमारा भी गृह उद्योग चले और उसके साथ साथ हमारा घर भी चले। हम मेहनत करके कमाते हैं तो बजट थोड़ा साधारण हो तो हमको भी अच्छा मिले, मेहनत करके हमारा भी घर संसार चले, और बजट में थोड़ी कुछ कम हो तो हमको भी अच्छा पैसा मिले, यानी हर चीज़ का भाव कम हो तो दो पैसा हमारे इसको उद्योग को भी मिले, मनमस्सी को मिले, और हमको भी वो बजट अच्छा चले तो हमको भी पगार अच्छा मिले। भाव वधारा है वो कम हो जाए, जैसे बिजली में, शक्कर में, और आटा, चावल के आटा, तो सब महिला ये काम कर सकती है और उसको मतलब उम्मीद हो सकती है काम करके आगे बढ़ने की। हम तो यही चाहेंगे कि अब महंगाई अभी कम हो, जो तेल का दाम 1800 रुपये हो गया है, 1000-1200 तक हो जाए, और दाल का दाम 150 रुपये है तो हमारे को 70-100 तक हमारे को पोसाए, और गैस का दाम बहुत 1200-1300 रुपये है तो हमारे को इतना सब नहीं चलता, और कम है तो 700-800 तक पोसाए। वडोदरा में पापड़ बनाने वाली इस फैक्ट्रियों का मैनेजमेंट भी खास तौर पर महिलाएं ही कर रही हैं। उनकी मांग है कि इनकम टैक्स और जीएसटी दरों में राहत दी जाए, इससे उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। हम सरकार को मांग ऐसी कर रहे हैं कि थोड़ा महिला गृह उद्योग को, जो सरकार की नीति है महिला स्त्री सशक्तिकरण की, उसमें थोड़ा महिला गृह उद्योग को थोड़ा इनकम टैक्स में राहत, या कोई सब्सिडी, या कोई इंटरेस्ट माफ, या टैक्स एग्जम्पशंस। बजट के वैसे ऐसे ऐसा है कि जीएसटी का भाव घटे, आपने अनाज, पानी, कठोर, चोखा सबका भाव घटे तो सब अपने कंसेशन के सस्ता मिले तो सबको पोसाए और सब मानसों के रोजी रोटी देने में सहाय पड़े। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अगर उन्हें राहत दी तो इनके बेले पापड़ ज्यादा रंग ला सकती हैं।